दोस्तों ये आदमी इतना ज्यादा एडिक्टेड था ना कि अपनी वाइफ को छोड़कर किसी डरावने बॉक्स से मजे लेने लगा था। लेकिन जब उसे पता चला कि उस बॉक्स के अंदर आखिर है क्या, तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहानी की शुरुआत में जेरी और माइक नाम के दो फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। दोनों एक बार में बैठकर अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। जेरी माइक को बता रहा था कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड लीसा के ऊपर कुछ शक है। उसे लगता है कि लीसा का कोई दूसरा अफेयर चल रहा है। लेकिन अब दोस्त होने के नाते माइक जेरी को सलाह देता है कि वो भी जाकर एक दूसरा अफेयर कर ले, जिससे कि जेरी और उसकी गर्लफ्रेंड एकदम इक्वल हो जाएंगे। जेरी को माइक की बात थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही थी, लेकिन अभी तक तो जेरी की किसी दूसरी लड़की से कोई भी जान पहचान नहीं होती, तो वो दूसरा अफेयर करेगा कब? माइक जेरी के इस दर्द को समझ जाता है, इसीलिए अब माइक जेरी को लेकर एक अच्छी जगह पर जाने लगा था। माइक जेरी को बताता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, और ये सारी चीजें छुपाने के लिए माइक जेरी के मुंह पर कपड़ा भी डाल देता है। कुछ देर बाद जेरी और माइक एक रूम में पहुंच गए थे। इस पूरे जगह की ओनर जोरा नाम की एक औरत थी, जो लोगों को खुश करने के लिए लड़कियों की सर्विस प्रोवाइड किया करती थी। हालांकि माइक यहाँ पर कम ही आता था, लेकिन अब बारी थी जेरी की। दरअसल जोरा के पास प्लेजर दिलाने वाली एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई थी जो बहुत ही ज्यादा एडवांस होती है। यहाँ पर माइक बाकी लड़कियों से मजे लेने चले गया था, और वहीं जेरी एक सुनसान कमरे में आ जाता है। जेरी ने नोटिस किया कि वहाँ पर एक काले कलर का बॉक्स रखा हुआ है, जिसके अंदर एक छोटा सा होल है। उस बॉक्स पर क्लियरली लिखा था कि इसके अंदर डाल दो, और ये सारा इशारा जेरी बड़ी आसानी से समझ जाता है। जेरी ने तुरंत ही ओपन करके उस बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर दिया था। हालांकि ये सारी चीजें कुछ ही सेकंड्स तक चलती हैं, लेकिन इस टाइप का प्लेजर जेरी को अपनी लाइफ में कभी मिला ही नहीं था। हालांकि जेरी फर्स्ट टाइम पर एकदम बेहोश हो गया था, और जब जोरा और माइक उसे देखने आते हैं, तब सारी चीजें होने के बाद माइक जेरी को वापस अपनी कार में लेकर जाने लगा था। जेरी को जब थोड़ी देर बाद होश आता है, तब वो माइक से अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था। जेरी माइक से कहता है कि उसे फिर से यहाँ पर आना है, लेकिन माइक बता रहा था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। हालांकि तुम न्यू यूजर थे, इसीलिए हमें डिस्काउंट मिल गया। लेकिन माइक जेरी से प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। और अब घर पे पहुंचने के बाद जेरी की गर्लफ्रेंड लीसा उससे पूछने लगी थी कि वो कहां पर गया था। जेरी बहाना बना देता है कि वो माइक के साथ बैठकर बियर पी रहा था, लेकिन इसके बाद तो जेरी के चेहरे पर से मुस्कान हटती ही नहीं। अब अगले दिन लीसा जेरी को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जेरी तो इस बात पर बिलीव ही नहीं करता। वो तो लीसा से पूछते रहता है कि क्या ये उसका ही बच्चा है कि नहीं। लीसा जेरी के इस क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी, पर जेरी का ध्यान तो कहीं और ही होता है। और अब जेरी माइक को कॉल करके जोरा की जगह का एड्रेस मांगता है, ताकि वो फिर से वहाँ पर जाकर बॉक्स से मजे ले सके। लेकिन माइक जेरी को कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव हो सकती थी। लेकिन अब जेरी इतने पर ही नहीं रुकने वाला था। वो तो रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है कि पूरे शहर में ऐसी जगह कहाँ पर मिलेगी। और अब बहुत सारे लोगों को पैसे खिलाने के बाद जेरी जोरा के यहाँ पर पहुँच जाता है। जेरी ने तो जोरा को भी डबल पैसे दे दिए थे उनके उस ब्लैक बॉक्स को यूज करने के लिए, और अब जेरी उसी ब्लैक बॉक्स के पास आकर अपना प्लेजर लेते रहता है। जेरी तो उतने समय के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन अब जेरी के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर है क्या। जेरी उस बॉक्स के होल के अंदर देखने लगता है। वो तो बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करने लगा था। जेरी को लग रहा था कि इस बॉक्स के अंदर जरूर कोई सुपर मॉडल होगी जो उनके प्लेजर को 10 गुना बढ़ा देती है, पर तभी जोरा उस कमरे में आ गई थी, जिसने जेरी को ब्लैक बॉक्स को तोड़ते हुए देख लिया था। और अब जोरा कह रही थी कि वो जेरी का कंप्लेन कर देगी। तभी जेरी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसी बॉक्स से जोरा के सर पर वार कर देता है, जिससे कि जोरा की इंस्टेंटली मौत हो गई थी। और अब जेरी उस बॉक्स को लेकर तुरंत एक होटल में चला गया था, जहां पर वो उसे कुछ दिनों के लिए छुपा देता है। मर्डर की खबर आने के बाद जोरा के यहां पर एक इंस्पेक्टर आता है, उसका नाम जैक था। जैक जोरा के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करते रहता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड तो कह रहा था कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और तो और वो हादसे के टाइम प्रेजेंट भी नहीं था। यहाँ पर हमारा जेरी तो एकदम नॉर्मल होता है। जेरी को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हाल ही में उसने एक मर्डर किया है, लेकिन अब तो जेरी एकदम एडिक्टेड हो गया था उस ब्लैक बॉक्स का। वो तो बार बार होटल जाता और उस ब्लैक बॉक्स से मजे लेता, और अब तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड लीसा की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। जैसे जेरी को एक दूसरी गर्लफ्रेंड मिल गई हो। लीसा को भी कहीं ना कहीं शक होने लगा था कि जेरी का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ जेरी तो लगातार उस ब्लैक बॉक्स से मजे लेता ही जा रहा था। एक दिन जब वो उसी ब्लैक बॉक्स के साथ अपने घर में होता है, तब जेरी ने होल के अंदर हाथ डाल के चेक किया था, तभी उसके हाथ में कुछ चिपचिपी सी चीज आ जाती है। जेरी समझ ही नहीं पाता कि ये क्या है, लेकिन जब जेरी ने उस चिपचिपी चीज को यूज किया, तब उसे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। लेकिन अब उसी वक्त लीसा कमरे में आ जाती है, जिसने जेरी को इस हालत में देख लिया था, और अब लीसा जेरी के पास आने लगती है। इसके बाद तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। सुबह होने पर जेरी मीटिंग का बहाना बनाकर जल्दी जा रहा था,
यहाँ लिसा का शक जेरी पर बढ़ता ही जा रहा होता है। इसीलिए लिसा ने माइक को कॉल करके जेरी के बारे में पूछा, लेकिन माइक को भी जेरी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। और अब यहाँ हमेशा की तरह जेरी ब्लैक बॉक्स से खेल रहा था। अब जेरी इतना एडिक्टेड हो गया था ना कि हर दिन उसे ब्लैक बॉक्स की जरूरत पड़ती ही थी। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद जेरी को अपने एब्डोमेन में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, साथ ही साथ उसके कमर के निचले वाले हिस्सों में घाव बनना स्टार्ट हो गए थे। जेरी तो अगले दिन डॉक्टर को दिखाने के लिए भी जाता है। डॉक्टर तो वहाँ पर कुछ दवाई लगाकर ठीक हो जाएगा ऐसा जेरी से कहते हैं। और अब जेरी घाव की वजह से उस ब्लैक बॉक्स को थोड़ा अवॉइड कर रहा था। साथ ही जेरी को इस बात का पता चलता है कि लिसा के पेट में जो बच्चा था वो अब मर चुका है। दरअसल ये सारी चीजें उसे चिपचिपी सब्सटेंस की वजह से हुई थी जिसे कि जेरी ने उस ब्लैक बॉक्स के अंदर से निकाला था। जेरी को भी कहीं न कहीं इस बात का आइडिया था, लेकिन वो लिसा को कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए अब एक दिन गुस्से में आकर जेरी उस ब्लैक बॉक्स को तोड़ने चला जाता है। उसे तो अब कैसे भी पता करना था कि ब्लैक बॉक्स के अंदर है क्या। इसीलिए जेरी मार्केट में जाकर ताला तोड़ने का सामान ला देता है। और अब तो जेरी लगातार उस ब्लैक बॉक्स के लॉक को तोड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ लिसा को पता चलता है कि जेरी ने बैंक से बहुत सारे पैसे डेबिट किए हैं। साथ ही साथ उसे ये पता चला था कि जेरी कई दिनों से अपने काम पर भी नहीं गया। लिसा को तो अब पक्का लगने लगा था कि जेरी का अफेयर चल रहा है। इसीलिए लिसा तुरंत ही उस फ्लैट में चली जाती है जहाँ पर जेरी रुका हुआ था। अंदर जाने के बाद लिसा को किसी लेडी की सुगंध आने लगती है। और अब लिसा पूरे घर में चेक करने लगी थी कि लड़की कहाँ पर है। तभी लिसा ने बाथरूम में जो देखा वो एकदम से शॉक रह गई थी। वहाँ पर एक सर्कल टाइप का फ्लैश था जो लिटरली मूव हो रहा था। लेकिन अब जेरी ने लिसा को पकड़कर उसे मारना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये राज बाहर नहीं जाना चाहिए। और अब पता नहीं क्यों जेरी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर लिसा को खत्म कर देता है। शायद से जेरी ऐसा सोच रहा था कि जब तक उसके पास वो फ्लैश है तब तक वो एकदम खुश रहेगा। उसे तो अपनी गर्लफ्रेंड लिसा की भी कोई जरूरत नहीं होती। जेरी लिसा की भी बॉडी को एक जगह पर ठिकाने लगा देता है। और अब तो जेरी लिटरली उस गोले से फ्लैश को पालने लगा था जैसे कि वो जेरी की एक नई गर्लफ्रेंड हो। जेरी तो लगातार उस फ्लैश के साथ हर रात गुजारने लगा था। एक दिन माइक जेरी को ढूंढते-ढूंढते उसके घर पर आ जाता है, जहाँ पर माइक ने उसी सर्कुलर फ्लैश को देख लिया था। माइक समझ जाता है कि जेरी बहुत ही बड़े ट्रबल में है, लेकिन जेरी तो एकदम नॉर्मल तरीके से माइक के सामने आ गया था। जेरी ऐसा बिहेव कर रहा था कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। जेरी माइक को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसने लिसा को मार दिया। माइक जेरी को ये सारी चीजें ना करने के लिए कहता है। और अब तो माइक कह रहा था कि वो पुलिस वालों को सारी बातें बता देगा, पर तभी जेरी माइक को पीछे से पकड़कर उसे मारना स्टार्ट कर देता है। और अब जेरी ने अपने दोस्त को भी खत्म कर दिया था। कई दिन इसी तरीके से बीतते चले जाते हैं। जेरी तो अब उस सर्कुलर फ्लैश के साथ जीने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक दिन जेरी देखता है कि वो सर्कुलर फ्लैश मर चुका है। वो तो पूरी तरीके से एकदम पिघल चुका था। जेरी इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। और अब उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त को भी मार दिया था। वो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए जाए तो जाए कहाँ। इसीलिए अब जैक ढूंढता हुआ जोरा के घर पर चला जाता है, जहाँ पर जोरा का सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। अब जेरी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी ना कि उसके पूरे बॉडी पर घाव के निशान बनते ही जा रहे थे। उसका पूरा लुक तो एक क्रिएचर जैसा बन गया था। और अब जेरी कहीं और ना जाकर उसी कमरे में रहना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे जेरी के बॉडी में सारा इन्फेक्शन फैलने लगा था। और अब तो उसकी पूरी बॉडी एक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाती है। ताज्जुब की बात ये थी कि जब जोरा के सिक्योरिटी गार्ड ने एक दूसरा ब्लैक बॉक्स लाकर रख दिया था, वो सेम टू सेम उसी बॉक्स जैसा लग रहा था जैसा जेरी को मिला था। और अब उस सिक्योरिटी गार्ड जेरी के सड़े हुए सर को उस ब्लैक बॉक्स के अंदर रख देता है। इंस्पेक्टर जैक जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर फिर से आता है, तब वो अपने केस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच गया था। जैक को 100% शक था जेरी के ऊपर, क्योंकि वो इतने दिनों से गायब जो हो गया था। लेकिन अब जोरा का सिक्योरिटी गार्ड बात बदलते हुए ये कहता है कि तुम यहाँ पर रुककर थोड़े मजे क्यों नहीं कर लेते। तभी इंस्पेक्टर जैक को उसी रूम में भेज दिया गया था जहाँ पर वो ब्लैक बॉक्स रखा हुआ था। और अब जैक की भी हालत वैसे ही होने वाली थी जैसी जेरी की हुई थी। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।